हाँ जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरियल सेल के बारे में, है ना। तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो बैक्टीरियल सेल होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, या जो उसके अंदर प्लाज्मिड्स होती हैं वो क्या कुछ होती है। अब बात आती है बच्चे कि जो ये बैक्टीरिया होता है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो, कोई भी बैक्टीरिया हो उनके अंदर तीन टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कैसे कैसे? पहला जो मेथड होता है उसका नाम है बाइनरी फीजन, द सेकंड वन इज स्पोरुलेशन, एंड द थर्ड वन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझे? बाइनरी फीजन। तो देखो, जब बाइनरी फीजन की बात करते हैं, आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ। ये है एक बैक्टीरियल सेल, क्लियर। मीजोसोम दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोइड बॉडी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा, जब एक बैक्टीरिया पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जब उसको रिक्वायरमेंट लगती है कि हाँ अब तुझे अपनी कॉपी बनानी चाहिए, तो क्या होता है उसका जो न्यूक्लियोइड, यानी कि ये सिर्फ सिंगल पेयर क्रोमोजोम बोलते हैं ना, ये देखो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ में एक नया मीजोसोम भी बनता है। ये देखो, ओल्ड मीजोसोम एंड द न्यू मीजोसोम, एक नया मीजोसोम बना, और इस तरह उस न्यूक्लियोइड बॉडी के साथ में दो मीजोसोम्स भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। धीरे धीरे करके जब आगे फर्दर ये डिवीजन चलेगा तो ये देखना बीच में इनके क्या आ जाता है, एक सेल वॉल की फॉर्मेशन होने लग जाती है। और फाइनली जो ये एक ही बैक्टीरिया जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ था बेटा, एक दूसरे से सेपरेट हो गए ना, एक डिप्रेशन आ गया और फाइनली ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक सिंगल अडल्ट का दो डॉटर सेल में बनना, ठीक है, एक सिंगल अडल्ट का दो डॉटर सेल में बनना, दिस इज नोन एज द बाइनरी फीजन, क्लियर बेटा। अगर हम बात करें कि अगर यही पेरेंट कंटिन्यू डिवाइड करता रहे ना, कंटिन्यू डिवाइड करने का मतलब भाई इसने दो कॉपी बनाई, फिर ये दो अपनी कॉपी बनाए, फिर जो दो बने वो अपनी कॉपी बनाए, तो लगभग 24 घंटे में एक सिंगल बैक्टीरिया से 4.7×10^21 डॉटर सेल्स बन सकती हैं। किस लिए? क्योंकि लगभग जैसे कि इनका टाइम पीरियड जो रहता है डिवाइड करने का वो बहुत कम रहता है, क्लियर। चलो अब सुनो ध्यान से एक इम्पोर्टेंट बात कि ये वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बाइनरी फीजन होता है दे आर नोन एज इमोर्टल। बैक्टीरिया को हम इमोर्टल बोलते हैं, इमोर्टल, मोर्टल का मतलब मरना, इमोर्टल का मतलब हुआ द ऑर्गेनिज्म वेयर नेचुरल डेथ इज नॉट फाउंड। नहीं है ना बेटा, देखो ये जैसे ही मैच्योर हुआ ये दो में टूटा, ये फिर से जब मैच्योर होंगे फिर से डॉटर सेल में बना देंगे, यानी कि एक्चुअल जो पेरेंट था उसकी तो कभी डेथ हुई नहीं, और जब डेथ ही नहीं हुई तो हम उसको क्या बोलते हैं, इमोर्टल के नाम से जानते हैं, क्लियर। चलो, बाइनरी फीजन काफी सिंपल है जो कि हमने 10th क्लास में भी किया था। अब इसका दूसरा मेथड जिसको कि हम बोलते हैं स्पोरुलेशन, याद है बाइनरी और मल्टीपल फीजन जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था कि बाइनरी फीजन होता है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में, और जो मल्टीपल फीजन होता है वो होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। स्पोर बनाना, जब भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ये लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स बना देते हैं जो कि यूं ही घूमते फिरते रहते हैं हवा में, पानी में, जमीन में, है ना, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्पोर्स के नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरिया के जो स्पोर्स रहते हैं उनको कई सारे नाम मिले हुए हैं। कुछ एक बैक्टीरिया है जिनके स्पोर्स को गोनिडिया बोलते हैं, कुछ एक को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, एर्थ्रोस्पोर्स, कोनिडिया, सीस्ट और एंडोस्पोर्स। आपके नीट और एम्स में इस एंडोस्पोर के ऊपर क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द स्पोरुलेशन। देखो, एंडोस्पोर
ध्यान से देखना कि जब एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये देखो ये पेरेंट सेल है और इसने अपने ही अंदर क्या कर रखा है बेटा, एक स्पोर की जो पोजीशन है, फॉर्मेशन है, उसको बनाना शुरू कर दिया। तो जब हम इस एंडोस्पोर की, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर पढ़ो फिर इसके बारे में बताती हूँ। जब इस एंडोस्पोर की बात करते हैं तो देखो इसको बहुत सी लेयर रहती है जो प्रोटेक्ट करती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर रहती है दिस इज नोन एज एक्सोस्पोरियम, स्पोर को बाहर से बचाने वाली, है ना। देन उसके बाद जब आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो देखो स्पोर कोट, ठीक है, स्पोर कोट के नीचे एक और लेयर रहती है कॉर्टेक्स की। उस कॉर्टेक्स के नीचे आपको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोरवोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर इसकी न्यूक्लियर बॉडी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी लेयर्स है और इस एक्सोस्पोर और स्पोर कोट के बीच में एयर भी फिल होती है बेटा। एंडोस्पोर थिक वॉल्ड हो गए, रेजिस्टेंट स्पोर हैं जो कि एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ये एंडोस्पोर बना कैसे, ये एंडोस्पोर इस तरह बना जैसे ही अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आई, बैक्टीरिया को पता चला, बैक्टीरिया ने क्या किया, मान लो फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया, ठीक है, इसने अपना कुछ हिस्सा, जो मैं ये मार्क कर रही हूँ, ये अपना कुछ हिस्सा इसने अपने पास से क्या कर दिया, कट कर दिया, एक प्रोटोप्लास्ट का हिस्सा कट कर दिया जिसमें कि न्यूक्लियर बॉडी भी थी, है ना, न्यूक्लियर बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और इसके पास फूड वगैरह भी था, सारी चीज थी और ये फाइनली हो गया सबसे सेपरेट। जैसे ही सबसे सेपरेट हो जाता है तो इसके अंदर देखो बैक्टीरिया के अंदर ही इस स्पोर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने लग जाती है, इसीलिए इसको हमने बोला एंडोस्पोर। एंडो का मतलब अंदर, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही स्पोर बन गया जिसके ऊपर कई सारी लेयर्स आ गई। अब सुनो ध्यान से, एंडोस्पोर्स प्लस 100 डिग्री और माइनस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, किसी केमिकल का इनके ऊपर अफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी वॉल काफ़ी थिक है, वाटर के जो अमाउंट रहती है इनके पास काफ़ी कम होती है, ठीक है। दो स्पीसीज जो कि अपने ये जो स्पोर्स रहते हैं जिनको कि एंडोस्पोर्स बोलते हैं वो बनाती हैं, उनके बारे में पता है आज के टाइम पे हमें, क्लोस्ट्रिडियम टैटनी और बैसिलस एंथ्रेसिस। टैटनी टैटनस डिजीज जो कोज होती है और एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स और टैटनस के बारे में हम सब जानते हैं, जानते हैं ना। देखो जब भी मान लो हमें नंगे पैर घूम रहे हैं या आयरन की कोई चीज़ है या कांच वगैरह जैसे ही हमारे पैर में हमारे हाथ में लगता है और वो चोट लगी हमें मिट्टी में, है ना, तो हम सबसे पहले किधर भागते हैं, डॉक्टर की तरफ भागते हैं और टैटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। किस लिए लगवाते हैं बेटा, क्योंकि जो ये टेटनस के स्पोर्स, ठीक है, एंडोस्पोर्स लाखों हजारों साल तक यूं ही पड़े रहते हैं, कई महीनों कई सालों तक पड़े रहते हैं। अब बाई चांस हमारे कट लगा, वो स्पोर्स बॉडी में एंटर करेंगे, जैसे ही अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन कन्वर्ट हो गई फेवरेबल कंडीशन में, वो स्पोर क्या करेगा, टूटेगा और टूट के क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और इसकी वजह से हमें हो जाती है डिजीज, टेटनस, समझे बेटा। इसी तरह बैसिलस एंथ्रेक्सिस, यही कारण है कि हल्की सी चोट लगते ही एंथ्रेक्स का या जो टेटनस रहती है इसकी वैक्सीन्स वगैरह या जो इसका इंजेक्शन होता है वो लगवाया जाता है, क्लियर। चलो अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन मेथड के थ्रू होता है बेटा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन की तरह नहीं होता, ह्यूमन में तो क्या होता है, देखो गैमिट बनते हैं ना, स्पर्म और ओवम बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, वो जाइगोट मदर की बॉडी में कई महीने तक रहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। बट इनके अंदर सिर्फ जीन ट्रांसफ़र होता है, जीन ट्रांसफ़र का मतलब है एक बैक्टीरिया की न्यूक्लियोइड बॉडी का कुछ हिस्सा, एक बैक्टीरिया की न्यूक्लियोइड बॉडी का कुछ हिस्सा दूसरे के अंदर क्या कर जाता है, ट्रांसफ़र कर जाता है, और वो ट्रांसफ़र करता है बाय द हेल्प ऑफ पिलाई। मैंने बताया था कि भाई मान लो ये बैक्टीरिया,
ठीक है, दिखाई दे रहा है, और एक ये बैक्टीरिया। अब इसमें है वो प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, और इसमें नहीं है। अब क्या होएगा बेटा कि जो ये बैक्टीरिया है इसमें वो बनेंगी पिलाई, जिनको कि हम बोलते हैं सेक्स पिलाई, ठीक है। और ये जो सेक्स पिलाई है इस बैक्टीरिया से ऐसे, तो देखो दोनों बैक्टीरिया अटैच हो गए, तो जो ये ट्यूब बनी, जो ये ट्यूब बनी, इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब, दोनों के बीच का मीडियम बन गई। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर क्या कर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जैसे ट्रांसफर हुआ ये खत्म और दोनों भाई अलग, ठीक है। ये होता है कंजुगेशन, एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट और ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट आता है 12th क्लास में। जो ये दो चीज़ें हैं ये जेनेटिक्स के अंदर आती हैं, जो कि 12th क्लास में, यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, अपने गांवों में शहरों में ट्रांसफॉर्मर्स लगे रहते हैं, है ना, जब भी लाइट आती है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, तभी तो घरों में भेजते हैं। क्या वो हाई वोल्टेज को घर में भेजते हैं? नहीं, सारे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़त्म हो जाएंगे, जल जाएंगे अगर वो सेम वोल्टेज आएगी तो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जीन्स लेगा और फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करता है, ठीक है। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन का मतलब है कि अपने ही जीन्स लेके और उसको चेंज कर लेना। तो हम यहाँ पर सिर्फ डिटेल में पढ़ेंगे कंजुगेशन को। यहाँ पर ये लाइनें, ये जो पैराग्राफ है बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इससे पहले कंजुगेशन समझाने के लिए आप लोगों को दिखाती हूँ डायग्राम। ये देखो ये दो डायग्राम है, और एक बार दोनों डायग्राम को ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है इसको हम बोलते हैं कंजुगेशन का मेथड, बट दिस इज नोन एज स्ट्रेलाई मेल मेथड। क्या टर्म यूज की, यहाँ पर भी लिख रखा है स्ट्रेलाई मेल मेथड, और इस वाले को हम बोलते हैं फर्टाइल मेल मेथड। सेक्स डक्शन और ट्रांसफर ऑफ क्रोमोजोमल जीन्स, ध्यान से देखो। सेक्स डक्शन बेटा, मान लो कोई मेल है उसका फीमेल में कन्वर्ट होना, या फीमेल है उसका मेल में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं सेक्स डक्शन। तो क्या मतलब समझे, जब किसी का सेक्स चेंज होता है, एक ऑर्गेनिज्म का जब सेक्स चेंज होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स डक्शन, है ना, और सिर्फ जीन का ट्रांसफर। एक बार ये जो पहला डायग्राम है ध्यान से देखना, इसमें आपको एफ प्लाज्मिड दिख रही है, फर्टिलिटी यानी कि जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन जो ये दूसरा बैक्टीरिया इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, है ना, एफ प्लाज्मिड नहीं है। तो वो बैक्टीरिया जिनमें एफ प्लाज्मिड होती है उनको तो हम बोलते हैं मेल या डोनर, जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं फीमेल। तो देखो इनके बीच में पाइलस पिलाई बनी, सेक्स पिलाई, लेकिन पिलाई कौन सी बनी, सेक्स, और इन दोनों बैक्टीरिया को जोड़ दिया। और इसने फिर क्या किया, अपनी प्लाज्मिड, लेकिन इस प्लाज्मिड ने पहले यहाँ पर एक कॉपी बनाई, दो कॉपी बन गई, और एक कॉपी उसने किसको दे दी, फीमेल को। तो देखो अब जैसे ही फीमेल के पास प्लाज्मिड आएगी वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। फीमेल का मेल में कन्वर्ट होना, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्स डक्शन, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर है और यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं है, लेकिन लास्ट तक देखो कोई भी प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं हुई। देखो प्लाज्मिड न्यूक्लियेट बॉडी से अटैच हो रखी है, ये देखो एपिसोम, एक कंजुगेशन ब्रिज बन रहा है, और न्यू जीन फ्रॉम द मेल, यानी कि इसके सिर्फ जीन्स ट्रांसफर हुई, इसलिए हमने इसको क्या बोला, जीन ट्रांसफर, ठीक है। कंजुगेशन दो तरह से होती है, या तो फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाएगी, या ओनली जीन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो अब मैं आपको आगे करवाने जा रही हूँ इस बुक की लाइन टू लाइन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेडिकल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।